दोस्तों पठान फिल्म रिलीज हो चुकी है और उसके बाद जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा उसे पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। कुछ लोग तो थिएटर में डांस करने लगे उसके गानों पर। और जी हाँ, ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि पठान फिल्म किस तरीके से हिट की ओर जा रही है। हालांकि ये पहला दिन जो छुट्टी का दिन नहीं था, अगला दिन जो आज है जो कि 26 जनवरी, आज पूरा का पूरा दिन छुट्टी का दिन है। तो आज देख सकते हैं कि किस तरीके से पठान की जो बुकिंग है वो किस तरीके से देखने को मिलती है। पठान की जो बुक माई शो पे दिल्ली की अगर हम सीटों की बात करें तो पूरे की पूरी सीटें लाल की लाल दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा रेड रेड है। ज़्यादातर जगहों पर सीटें फुल हो चुकी हैं और आपको बता दें कि कई छोटे शहरों में भी सीटें फुल हो चुकी हैं। पहले दिन चूंकि छुट्टी का दिन नहीं था तो हो सकता है कि पहले दिन थोड़ी सी कमाई कम रहे, और लेकिन फिर भी 25 जनवरी को शाम 8 बजे तक की बात की जाए तो तरण आदर्श जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि इस पिक्चर ने शुरुआती तौर में लगभग 25 करोड़ रुपए कमाए थे 8:15 बजे तक। हालांकि उसके बाद के जो शो थे उनकी जानकारी अभी तक नहीं आई थी। तो आपको बता दें कि इस फिल्म के 40 करोड़ के आसपास कमाए जाने की संभावना है। और ये भी बात कही गई कि इस फिल्म की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि रात में एक्स्ट्रा शो बढ़ाने पड़े। रात में जो मिडनाइट शो होते हैं 12 बजे के बाद के शो हैं कई जगहों पर, कई सिटी में उन शो की संख्या बढ़ाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि या फिर ये किसका क्रेज़ है। शाहरुख खान 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। जी हाँ, तो एक क्रेज़ तो इसलिए भी दिखता है कि शाहरुख खान इस फिल्म में। दूसरा क्रेज़ इसलिए भी है क्योंकि ये एक स्पाई और यशराज वेनर की फिल्म है। जैसा कि टाइगर जिंदा है, यशराज है, वो एक नया जॉन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म काफ़ी अच्छी है, मैंने देखी है। फिल्म यानी इंटरटेनिंग फिल्म है। ऐसा आप आर्ट का माइंड लेके जाएंगे तो आर्ट देखने को तो नहीं मिलेगी, आपको इंटरटेनमेंट फूड मिलेगा। क्योंकि ऐसी फिल्में एक बार आप स्क्रीन पर नज़र रखते हैं तो उसे ब्रेक करने का मन नहीं करता। ऐसा बोरियत सी नहीं होती है फिल्में, पूरी एक्शन से भरपूर है और कई जगहों पर तो बहुत सस्पेंस भी है थोड़ा सा, और कई जगह थोड़ी सी चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस क्रिएट होता है, फिर कोई इधर होता है उधर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और सलमान खान की बात की जा रही थी कि इसमें सलमान खान, जी हाँ, तो सलमान खान इस फिल्म में हैं और बहुत अच्छा कैमियो है उनका, थोड़ी देर के लिए है लेकिन बहुत अच्छा है। और लास्ट में, फिल्म के लास्ट में एक सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में एक चर्चा हो रही है। जो कमेंट कर रहे हैं वो आज की जनरेशन पे फिल्मों के बारे में, वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें 30 साल हो गए इस तरीके की कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि वो लास्ट में एक चर्चा कर, उसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरटेनिंग फिल्म है और लोग भी काफ़ी देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कुछ वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं कि लोग थिएटर में जाकर डांस कर रहे हैं। तो फिल्म को काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉयकॉट कर रहे थे फिल्म का, उन लोग कई जगहों पर इस फिल्म का विरोध भी देखने को मिला है। कुछ लोग इसके पोस्टर फाड़ते भी दिखे हैं। तो ये चीज़ें दोनों तरफ चल रही हैं, तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग वहीं विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरीके का समर्थन इस फिल्म को मिल रहा है उससे तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये फिल्म आगे चलेगी, उस तरीके की फ्लॉप देखने को नहीं मिलेगी। शाहरुख खान ने काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग 4 साल बाद वापसी की है तो उसका असर इस फिल्म पर साफ साफ दिख रहा है। तो इस फिल्म के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड की संजीवनी फिल्म साबित होगी, क्योंकि पिछले कोरोना के बाद जिस तरीके से बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो जिस तरीके से पिटी थी और कई फिल्में जो बॉयकॉट का शिकार हुई, उसके बाद ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म होगी जो कहीं ना कहीं बॉयकॉट के बाद इतनी कमाई करने वाली फिल्म होगी या फिर इतनी सक्सेसफुल फिल्म होगी। हालांकि कमाई कितनी करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और लेकिन जिस तरीके से टिकटें बुक हुई थी उसके अनुसार और जो जैसे एनालिसिस आ रहे हैं उसके अनुसार पहले दिन की इसकी कमाई 40 करोड़ के आसपास रहने वाली है। इसके साथ ही कई ये रिकॉर्ड भी बने हैं कि ये जो फिल्म है सबसे ज़्यादा देशों में भारतीय फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों स्टोरी की अगर बात की जाए तो स्टोरी भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी सस्पेंस है, काफ़ी कुछ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। सलमान खान भी हैं और भी बहुत कुछ, मसाला, जॉन अब्राहम का किरदार काफ़ी अच्छा है, दीपिका पादुकोण ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और जो कि शाहरुख खान तो अपने आप में एक उनकी अलग बात है ही। आपको कुछ थोड़े से ट्विस्ट भी मिलेंगे, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी इस फिल्म में। शाहरुख खान ने अपना किरण भी थोड़ा सा वहाँ पर करने की कोशिश की है। तो एक COVID-19 से जुड़ी, उसी तरीके के वायरस से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें, और भी कई नए कॉन्सेप्ट्स दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो सीन्स हैं, ज़्यादातर इसके जो बड़े बड़े सीन्स हैं वो पुरानी फिल्मों से, हॉलीवुड की फिल्मों से
लिए गए, उनसे प्रेरित हैं। जी हाँ, प्रेरित हूँ, लेकिन ये फिल्म देखने में मज़ा आया। अगर आप एक बार ये फिल्म देखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपकी नज़रें स्क्रीन से हटती नहीं हैं। सेकंड हाफ में एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फर्स्ट हाफ में भी एक्शन है लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ डायलॉग्स जो कि आपने ट्रेलर में भी सुने थे, जब शाहरुख खान ने डायलॉग्स बोले तो काफ़ी अलग क्रेज़ था। जी हाँ, जैसे कि एक डायलॉग था, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए तो पठान आएगा ही। इस तरीके के डायलॉग हैं, वो काफ़ी अच्छे डायलॉग हैं। और फिल्म को अगर देखा जाए तो फिल्म हिट की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि इस दौरान कई जगह विरोध भी हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कई जगह इसके पोस्टर भी फाड़े गए, कई जगह शो भी कैंसिल हुए। ऐसी रिपोर्ट भी आई कई मध्य प्रदेश में और कुछ जगहों पर इसके शो भी कैंसिल किए गए हैं, क्योंकि कुछ जो संगठन थे, हिंदू संगठन कहा जा रहा है जिन्हें, तो वो उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, वो लोग प्रदर्शन करने आ गए, थिएटर के सामने प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद शो कैंसिल भी किए गए। लेकिन कैंसिल कुछ जगहों पर शो कैंसिल होने के बाद अभी भी जो बर्ड अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी चल रही है और कई जगहों पर जो है इसके रात के शो बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फिल्म देखने जा रहे हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल गणतंत्र दिवस के दिन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप पठान फिल्म के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की ये फिल्म है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इसी तरीके के वीडियो और भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।